शाला की अहम खबर से, आज नौवां दिन है सर्वे का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भूतशाला में सर्वे पहुंच चुकी है, जिसमें खुदाई होनी है, मेजरमेंट यानी मापजोक होना है, मैपिंग होनी है, स्कैनिंग होनी है और हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों ही वहां मौजूद हैं। रंग पंचमी के चलते भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है, जिससे कोई बाधा उत्पन्न न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, ये नौवें दिन खास ध्यान रखा जा रहा है। चूंकि सर्वे का आज नौवां दिन है और आज रंग पंचमी का भी त्यौहार है, तो रंग पंचमी के उत्साह में उल्लास में कोई ऐसी अव्यवस्था न हो जाए, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हर रोज की तरह सुबह ठीक 8 बजे वहां पर टीम पहुंच जाती है और अपना सर्वे का काम शुरू करती है। मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर जो रूटीन है वो लगभग एक ही जैसा चल रहा है। आदेश के बाद धार की भूतशाला का सर्वे लगातार जारी है। एएसआई की टीम जो है लगातार सर्वे में जुटी हुई है। सर्वे का आज नौवां दिन है और नौवें दिन का सर्वे आज शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम जो है भूतशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है, जो कि सर्वे में जुटी हुई है। साथ ही उनके साथ में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी शामिल है। साथ ही कुछ वर्कर भी भूतशाला के अंदर दाखिल किए गए हैं, ताकि सर्वे में एएसआई की टीम की मदद कर सके। वहीं सुरक्षा के लिहाज से यदि हम बात करें तो धार की भूतशाला में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों सुरक्षा का बल तैनात किया गया है। आज जो है रंगपंचमी भी है और रंगपंचमी के चलते बड़ी संख्या में पूरे शहर में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। कल जो है पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था और सभी को चेतावनी भी दी थी कि शहर में किसी भी तरह की अशांति ना फैले। साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर भी पुलिस की पैनी नज़रें बनी हुई है। तो कुल मिलाकर यह है कि धार की भूतशाला में जो है नौवें दिन का सर्वे वो शुरू हो चुका है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब जब शाम को एएसआई की टीम बाहर आएगी तब पता चल पाएगा कि आज के सर्वे में क्या हुआ है। हालांकि अभी तक जो है भूतशाला के तीन स्थानों पर खुदाई की जा रही है, साथ ही मैपिंग की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है और इस प्रकार से यह पूरा सर्वे जारी है। धार की भूतशाला से कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज 18। सबसे बड़ा ज्ञान तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आपको कुछ तस्वीरें हमने दिखाई, जिसमें आपने देखकर अंदाजा लगाया होगा कि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। और चूंकि अभी इस सर्वे का काम कुछ और दिन चलेगा, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह से कोई परेशानी वहां पर ना हो, कोई पारदर्शिता में यहां चूक ना हो, इसके लिए हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग दोनों ही वहां पर हैं एएसआई की टीम के साथ। और जो वहां तथ्य जुटाए जा रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट में बाकायदा पूरी जांच पड़ताल किए जाने के बाद कुछ तथ्य लिखे जाएंगे इस टीम के द्वारा, जो टीम वहां पर पहुंची हुई है। भूतशाला में नौवां दिन सर्वे का हो चुका है शुरू और आज टीम मौके पर पहुंची 8 बजे के आसपास, और जिसमें आज कुछ खुदाई का काम होना है, कई जगह पर मापजोक होनी है, जगह को नापने का काम किया जाएगा, मेजरमेंट्स होंगे और उसके अलावा स्कैनिंग भी होगी कुछ जगहों की जो कि भूतशाला के अंदर ही मौजूद हैं, और किन जगहों को स्कैन करना है, कहां पर खुदाई होनी है, ये सभी टीम के द्वारा बताई गई जगहों पर होगा। तो कुछ मजदूरों को भी आज अंदर भेजा गया है ताकि वो खुदाई के काम को पूरा कर सकें और जो टीम के द्वारा निर्देशित खुदाई की जगह है, चिन्हित जगह है, उसी जगह पर खुदाई होगी। भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वे की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आज भूतशाला में सर्वे का नौवां दिन है, क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे का काम शुरू हुआ है और इस सर्वे से ही सभी तथ्य सामने आएंगे। पक्ष दोनों ही तरफ से किसके ज़्यादा प्रासंगिक हैं, किसके ज़्यादा तथ्यात्मक हैं, वो इस रिपोर्ट पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा और उसके बाद अथवा कोर्ट का निर्देश क्या कुछ रहता है, कोर्ट का फैसला क्या रहता है, उस पर भी नजर रहेगी हमारी। फिलहाल अभी क्या कुछ वहां पर ताजा हालात है, इसके बारे में जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी नवीन, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, अभी क्या काम चल रहा है वहां पर? एएसआई की टीम के द्वारा किया जा रहा है। एएसआई की टीम के साथ में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी है, ताकि पारदर्शिता इस पूरे सर्वे को लेकर जो है वो बनी रह पाए। और साथ ही जो है मजदूर भी भूतशाला के अंदर अभी फिलहाल मौजूद है और भूतशाला में तीन स्थानों पर, भूतशाला के पिछले वाले स्थान पर जहाँ पर गर्भगृह बना हुआ है, गर्भगृह के ठीक पीछे वाले स्थान पर जो है अभी जो है खुदाई का काम चल रहा है। इसके अलावा दो जगह और खुदाई हो रही है।
तो कुल मिला के 3 जगह गौशाला के अंदर जो है पूरे परिसर में 3 जगह खुदाई की जा रही है। और ये खुदाई जो है करीब 10 फीट तक की हो चुकी है और इसमें से बहुत सारी चीजें निकली है। अवशेष वगैरह कुछ जो है इसमें से बाहर आए हैं, उनको ASI की टीम ने एकत्र किया है और उनके सैंपलिंग उनकी की है और साथ ही उनकी अब जांच होगी, जिसके बाद में जो है इसके आधार पर पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो गौशाला के 50 मीटर की परिधि में जो है पूरी तरीके से मेजरमेंट किया गया है और 50 मीटर की परिधि जो है उसमें भी सर्वे होना है, तो उसका सर्वे भी शुरू हो चुका है। मेजरमेंट का काम जो है यहाँ पूरा कर लिया गया है और 50 मीटर की परिधि में भी सर्वे शुरू हो रहा है। साथ ही गौशाला की छत के ऊपर भी जो है जांच की जा रही है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्वे जो है अभी फिलहाल जारी है और टीम जो है अंदर सर्वे में जुटी हुई है। 9वें दिन का आज सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से यदि हम बात करें तो धार की गौशाला को जो है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गौशाला के चारों तरफ जो है उसको कवर कर लिया गया है, चारों ओर टेंट लगाए गए हैं, पर्दे लगाए गए हैं ताकि कोई भी गौशाला के अंदर झांक कर नहीं देख पाए। इसके साथ ही जो है चारों ओर जो है गौशाला के चारों ओर जो है सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। गौशाला पूरा इलाका जो है इसको ड्रोन जो है इसमें प्रतिबंधित किया गया है, ड्रोन का इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा। साथ ही इस पूरे एरिया में CCTV कैमराज जो है वो लगाए गए हैं ताकि उससे भी जो है पूरे उसकी निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो वो CCTV कैमरा में आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो आज जो है शहर में रंगपंचमी भी है, रंगपंचमी की धूम भी सुबह से शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पूरे शहर में हाई राइज बिल्डिंग जो है वहां पर भी जो है सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी तैनात है और वहां से भी नजरें बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि धार की गौशाला में जो है अभी फिलहाल सर्वे का काम जो है वो जारी है, जो कि शाम तक जारी रह सकता है और शाम को ये सर्वे जब पूर्ण होगा उसके बाद पता चल पाएगा कि आज के सर्वे में और आगे क्या हुआ है। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरे शहर सहित धारशाला में गौशाला में किए गए हैं। और नवीन, चूंकि अभी आज कुछ जगह पर खुदाई भी होनी है तो कुछ अतिरिक्त मजदूरों को भी टीम अपने साथ ले गई है। नवीन, आवाज मिल पा रही है? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है नवीन तक, फिर से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि अभी इस सर्वे में जो आज 9वां दिन है और अब तक क्या संतुष्टि है या क्या कहना है हिंदू पक्षकारों का, मुस्लिम पक्षकारों का, इस पर क्या कुछ रिएक्शन आया, सुनवाते हैं। सभी को रंगपंचमी की बहुत बहुत बधाई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला का जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है उसका यह 9वां दिन है और बिना किसी अवकाश, बिना किसी छुट्टी के लगातार 22 मार्च से यह सर्वे चल रहा है। सर्वे में सारी नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, खुदाई भी हो रही है, GPR, GPS, कार्बन डेटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से यह पूरा काम हो रहा है, जो पूरे धार के हिंदू समाज का संघर्ष रहा है सदियों से। माँ सरस्वती की वाग देवी की प्रतिमा को पुनः गर्भगृह में स्थापित करने की जो मांग है वो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है और सर्वे से जो परिणाम आएंगे वो पूरे सकारात्मक आएंगे, ऐसी ही हमारी आशा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अंबिकापुर में हाथी ने एक महिला पर हमला कर दिया और हमले में महिला घायल हो गई।